अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं? मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं ज़ारा असद व्लॉग। आज बहुत हवड़ा तबड़ी में काम हो रहा है, आफत लगी हुई है मुझे, जल्दी जल्दी लगी हुई है क्योंकि आज मैं कर रही हूं अफ्तारी की अहतमाम कर रही हूं। मैंने छोटी छोटी बच्चियों अपनी यानी कि भांजी और भतीजियों को आज बुलाया है अफ्तारी पर, मैं उन बच्चियों की करवाने लगी हूँ छोटी सी अफ्तारी। बस जितनी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है इतनी सी करवा रही हूँ, जो कुछ मैं बना सकती थी जितनी मेरी हैसियत थी मैं इतनी सी बस चीज़ें बना के उनकी अफ्तारी करवा दूँगी अपने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, ताकि मेरा रब राज़ी हो जाए और मैं अल्लाह ताला को कबूल करे मेरी इस अफ्तारी को। तो यहाँ पे मैं बस बना रही हूँ जल्दी जल्दी से, अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं आज बना के आ रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ, बच्चियाँ चावल शौक से खाती हैं इसलिए मैं बना रही हूँ चिकन वाले चावल। और यहाँ पर मेरे चावल भी गोदी हैं, यहाँ पर मैं पालक कटिंग कर रही थी और यहाँ पर मैंने पकौड़ों का सामान बना लिया है। वहाँ ज़ारा ने शरबत बना लिया, अभी ज़ारा आई है ट्यूशन से, तो ज़ारा ने फटाफट से चीनी घोल दी मेरे शरबत बनाकर देने के लिए। और यहाँ पर मैंने बना लिया है ये देखिए दही बल्लों का सामान। तो बस जल्दी जल्दी से मैं बनाती हूँ और क्या क्या करती हूँ, अजान हो गई असर की और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। जी तो वेलकम बैक, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ घिया का रायता। मैंने कद्दू को घिया कहते हैं हम उर्दू में, कद्दू भी कहते हैं वैसे इसको, मैंने घिया को बॉईल करने रख दिया था, वो बॉईल हो गया, तो अभी मैं इसको मैश कर रही हूँ। मैश करने के बाद ये मैंने बनाई हुई है धनिया पुदीने हरी मिर्च और टमाटर की चटनी बनाकर रखी है, ज़ीरा धनिया और हल्दी सब कुछ मैंने इसके अंदर डाला था, ठीक है। तो वो चटनी बना ली थी मैंने और यहाँ पर बस इसको मैश करूँगी और इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये चटनी और दही और ये हमारा रायता हो जाएगा तैयार। तैयार करने के बाद आपको दिखाऊँगी। बस तो जी यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बना रही थी पकोड़े क्योंकि अब सब बच्चियाँ आ चुकी थी और मैंने कहा जल्दी से मैं बना लेती हूँ पकोड़े, अफ्तारी का टाइम ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ काम हो गया था, बस ये पकोड़े मैंने कहा था लास्ट में बनाऊंगी ताकि ये ठंडे नहीं हो, गरम गरम हो, और पकौड़े भी बहुत टेस्टी बने थे और सब कुछ हमने अल्लाह का शुक्र है टाइम से कर लिया। और बस जी अब आगे देखते हैं। हाँ सारे अपने वो पढ़ते रहे जी, तो हम वक्त से पहले ही माशाल्लाह से फारिग हो चुके हैं और ये सारी इफ्तारी लग चुकी है। ये देखिए और ये मैंने बनाई यहाँ पर, और अभी 15 मिनट और मेरी बहन कह रही है ये मैंने बनाई है, ये समीना ने बनाई है, और किसने बनाई है? ताशी ने बनाई है, बाकी किसी ने नहीं बनाई। ये देखिए हमारी सारी माशाल्लाह से इफ्तारी रेडी हो चुकी है, दस्तरखान लग चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर ये दो बाप बेटा, ये असद और उसके पापा, ये अकेले बैठे हैं यहाँ पर जेंट्स, इनके ग्लास में शरबत है, पकौड़े, भाई चाटनी थी मैंने वो ले लेंगे चाट के बगैर। ये हमारे चावल इसके ऊपर भाप भी आ गई है, तो बस जी हाँ डाल दी, बाद में इसी में सबने चावल खाने हैं। बस तो ये थी हमारी आज की वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि हमने ये कैसा व्लॉग बनाया, हमारी अफ्तारी आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे दोबारा एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।